नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ कंचन। पन्ना जिले के जिला चिकित्सालय में आज जिला प्रशासन की मौजूदगी में शासन की गाइडलाइंस के अनुसार कोविड वैक्सीन का वैक्सीनेशन का ट्रायल रन किया गया, जिसमें पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्र सहित CMHO, सिविल सर्जन, स्वास्थ्य अमला और स्थानीय नेता मौजूद रहे। इस दौरान कोविड वैक्सीन का ट्रायल रन किया गया और आगामी समय में पहले फेज में वैक्सीनेशन की पूरी तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा की गई हैं। कोविड महामारी से निजात पाने के लिए देश के वैज्ञानिकों ने जैसे ही वैक्सीन का निर्माण किया, वैसे ही देशवासियों ने राहत की सांस ली है और देश के हर राज्य हर जिले तक वैक्सीनेशन की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार आज जिला अस्पताल में कोविड वैक्सीन का वैक्सीनेशन किया गया है, जिसमें सबसे पहले वैक्सीन का ट्रायल रन किया गया। पन्ना कलेक्टर ने बताया कि जिले में कोविड की वैक्सीन प्रथम चरण में फ्रंटलाइन वर्करों को लगाई जाएगी और उसके बाद आम आदमी को वैक्सीन दी जाएगी, जिसके लिए प्रशासन और स्वास्थ्य अमले की पूरी तैयारियां हो चुकी है। वैक्सीन को लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन के अनुसार क्रमानुसार वैक्सीनेशन जिले में किया जाएगा, जिसके लिए जिला मुख्यालय में वैक्सीन स्टोर बनाया गया है और इसके साथ साथ जिले भर में वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं, जहाँ से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा वैक्सीनेशन किया जाएगा। जिले में कोविड वैक्सीनेशन के लिए हम लोग पिछले 3 महीने से तैयारी कर रहे थे और जिनको वैक्सीन लगनी थी प्रथम चरण में, उनका आधार नंबर, उनका डेटा एंट्री हम लोगों ने 100% की हुई है। लगभग 5,000 हमारे हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर हैं जिनको वैक्सीन पहले चरण में लगनी है। आज उसी वैक्सीनेशन का ड्राई रन है और ये ड्राई रन में पूरी चीज़ें जैसे हम लोग वैक्सीन के अगले दिन करेंगे, वैक्सीनेशन के दिन उसी तरीके से किया। स्टेट डिपो से हमारे पास जिला डिपो में वैक्सीन आई है, जिला डिपो की वैक्सीन से हमारा वैक्सीनेटर वैक्सीन लेके यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर पे आया है वैक्सीनेटर। फिर जो वैक्सीनेटर रूम है, वैक्सीनेटर 1 के पास ID वेरीफाई कराया गया है, वैक्सीनेटर 2 ने अपना पंजीयन किया, उनका डाटा देख के, उनका टेम्परेचर, उनका पल्स ऑक्सीमीटर से नाप के, अगर वो वैक्सीनेशन के लिए फिट हैं तो फिर उनको वैक्सीनेशन रूम में भेजा गया। वहाँ पे इनका आधार का OTP वेरिफिकेशन करने के बाद वैक्सीनेटर ने वैक्सीन लगाई है और वैक्सीन लगने के बाद उनको ऑब्जर्वेशन रूम में भेजने की सलाह दी गई है और उनको 30 मिनट ऑब्जर्वेशन में ड्राई रन में रखा गया है। अगर ऑब्जर्वेशन में कोई उनको वैक्सीन लगने के बाद किसी को कोई तकलीफ आती, किसी को कोई सेकेंडरी सिम्टम्स आते हैं, उसके इलाज के लिए पूरी वहाँ व्यवस्था है, एम्बुलेंस है, हमारी टीम है, ये व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। पन्ना ज़िले में जो वैक्सीनेशन का व्यवस्था बनाई गई है, ज़िले से 20 कोल्ड चेन के फोकल पॉइंट हैं, ज़िले से वहाँ उन जगहों पर 20 जगहों पर वैक्सीन जाएगी और उन्हीं 20 जगहों से वैक्सीन फिर आम जनता के लिए वैक्सीनेशन के जो सेंटर्स होंगे, हम लोग प्रेफरेबली कोई सरकारी हमारा सेंटर होगा पन्ना ज़िले में। जब वास्तव में वैक्सीनेशन पूरे ज़िले में चलेगा, लगभग हमारे जितने उपस्वास्थ्य केंद्र हैं, हर उपस्वास्थ्य केंद्र में हम लोग करीब 159 उपस्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीनेशन के हमारे सेंटर रहेंगे। चरण था जो कि हमने इसको ड्राई रन नाम दिया है, इसमें हम डेमी जो हमारे रजिस्टर्ड पहले से रजिस्टर्ड हमारे जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको वैक्सीनेशन के लिए बुलाया है और जैसे हम जब ओरिजिनल काम करेंगे तो जो प्रोसेस करेंगे उसकी हमने आज रिहर्सल की है, उसमें कोई कमी है उसको हमने नोट किया हुआ है, उसको जब हम एक्चुअल वैक्सीनेशन करेंगे जिसमें कोई गलती ना हो, कोई कमी ना हो, ये तैयारी की है। आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर ये हमारा फाइनल सेशन डिसाइड हो जाएगा जिसमें लगभग हम 5,000 लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। जिसे वैक्सीन लगवाना है उसको कुछ तैयारी करके आना होगा, जिसको वैक्सीन लगाना है उसका पहले से ही रजिस्ट्रेशन होगा, उसके पास SMS जाएगा, SMS में उसको इन्फॉर्मेशन रहेगी कि आप अपना ID नंबर लेकर के इस प्लेस पे, इस साइट पे आपको आना है और डेट रहेगी।